अतिक्रमणाच्या आरोपाखाली 14 जुलै रोजी मुंब्रा विशालगड गजापूर येथील मशीद आणि मुस्लिम लोकसंख्येवर हल्ला करण्यात आला होता। या हल्ल्याच्या निषेधार्थ शुक्रवार 19 जुलै रोजी नमाज नंतर शिबली नगर येथून मुंब्रा स्थानकापर्यंत सरकारचा निषेध करण्यासाठी 4 किलोमीटर लांबलचक मानवी साखळी करण्यात आली। या निदर्शनामध्ये महिलांसह हजारो स्थानिक नागरिकांनी हातावर काळ्या फिती बांधून व फलक घेऊन निषेध व्यक्त केला। लवकरात लवकर अटक करून कारवाई करण्याची मागणी देखील यावेळी करण्यात आली। इसका मकसद ये है कि जो कोल्हापुर विशालगढ़ और गजापुर के अंदर जो हादसा हुआ है, जो मस्जिदों पर हमला हुआ है और फिर उस हमले के बाद 14 जुलाई के बाद से सोशल मीडिया में जो ट्रेंड चल रहा है कि जिसके ज़रिए से ये बात फैलाई जा रही है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद शहीद की हम और भी मस्जिद शहीद कर देंगे, तोड़ेंगे, तो उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाना है कि भाई मुसलमान इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क के अंदर उनका उतना ही हक है जिसका जितना हक दूसरों का भी है। उनकी इबादत गाँव की इबादत उतनी ही ज़रूरी हुकूमत पर है जितनी दूसरों की इबादत गाँव की इबादत करती है। इसके लिए मुंब्रा एक मुस्लिम अक्सरियत शहर है, यहाँ से आवाज़ उठाई गई है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और जो उसके मुजरिम है, जो जमातें और जो क्या कहते हैं सख्त से सख्त जमात का क्या कहते हैं जिम्मेदार और संगठन का आदमी हो, उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ कार्रवाई हो और दोबारा मुल्क के अंदर क्या कहते हैं और ख़ासतौर से हमारे महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह का ट्रेंड अभी शुरू हो रहा है इसके ऊपर रोक लगाई जाए, ये इसका मकसद है। इस आवाज़ इसके एहतजाज का ये मकसद है। इसकी यूनिटी बता रहा है कि मतलब जो मुसलमानों पर इतना सारा अत्याचार हो रहा है, मस्जिद तोड़े जा रही है और फिर कुरान शरीफ जला रहे हैं जबकि कोई मुसलमान किसी की जगह जा नहीं रहा कुछ करने के लिए। कहाँ पे कोल्हापुर में जो ये हादसा हुआ विशालगढ़ में, जो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी कि वहाँ की इतनी सरकार लेके भी सो रही है क्या, दूसरे लोगों को ये सब करना पड़ रहा है अलग अलग एरियाज में सब जगह, तो इसका हम लोग बता रहे कि ये हम लोग को पसंद नहीं आ रहा है। अगर वहाँ से जितना भी होते रहेगा तो फिर हमको भी कुछ ना कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा। जो हमला हुआ था उसके लिए रखा हुआ है, एक्चुअली कानून को जगाने के लिए, हमारे महाराष्ट्र शासन को जगाने के लिए सिर्फ हम लोग ने शांति एक वैली बनाई हुई, चैन वैली, कि लोगों को पता चले कि हम लोग शांतिपूर्वक सब काम करते हैं। सिर्फ ये मस्जिद की बात नहीं है, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, उनके लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। हमारे महाराष्ट्र शासन को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई जो नाहक है उनके लिए जो लोगों ने ये किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। हम लोग का खड़े होने का मकसद यही है, हम लोग कोई चिल्लम चाट वैली नहीं कर रहे, साइलेंस वैली हुई और हमारी जो आवाम खड़ी हुई आप देख लो कैसे खड़ी हुई, सिर्फ हम यही चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले। जो उन्होंने ये काम किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई, हम लोग यही चाहते हैं। एक बार किसी के दिमाग पे अगर जुनून सवार होना तो उसे किसी प्लानिंग के वगैरह ज़रूरत नहीं होती, वो इंसान एकदम अंधा हो जाता है नफरत से। और दुख की बात ये है कि आज जो सत्ता में बैठे हैं ना वो इस नफरत को कम करने के बजाय इसे उसमें और तेल डाल रहे हैं और आग को भड़का रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अब आवाम समझ गए, जनता को अभी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि मेरे लिए, इनके लिए, इनके लिए, किसी के लिए भी रोज की रोजी रोटी और शांति का जीना ही ज़्यादा मायने रखता है, ना कि ये किस धर्म के है और मैं किस धर्म। हमारी मांग ये है जियो और जीने दो, सबको यहाँ पर जीने का हक है, इबादत का हक है, प्रार्थना करने का हक है। किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी सो कॉल्ड रिलीजियस जो भी क्या बोलते हैं टेररिस्ट है, उन्हें दूसरों के हक के ऊपर इस तरीके से हमला करने का हक हमारा संविधान नहीं देता। हम संविधान को, संविधान से ईमान रखने वाले लोग हैं।